प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो दूसरी ओर गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी कांग्रेस को घेरा है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मणिशंकर अय्यर की बहुत लंबी मीटिंग हुई। गुजरात के चुनाव के एंड वक्त पर भारत सरकार के विदेश विभाग को सूचना दिए बगैर, भारत सरकार के विदेश विभाग की जानकारी के बाहर 2.5-3 घंटा लंबी मीटिंग पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से करने का मतलब मैं नहीं जानता। क्या संदेश डालना चाहते हैं गुजरात के मतदाताओं में? मोदी और अमित शाह के आरोपों के बाद कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने ट्वीट कर इसका जवाब दिया। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में, अहमद पटेल लिखते हैं अपने ट्वीट में कि यह बात तय हो चुकी है कि वो काम और शब्दों दोनों में विकास की राजनीति से भाग रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रधानमंत्री जैसे कद को शोभा देता है कि वो झूठे और अफवाहों के भरोसे चुनाव में उतरे हैं? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो सवाल पीएम मोदी ने और अमित शाह ने उठाए हैं, उन सवालों का जवाब एक ट्वीट के जरिए अहमद पटेल ने दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के को यह शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की झूठी और अफवाह भरी बातों को उठाएं। एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये झूठ हैं। इधर बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस लगातार बैकफुट पर है, उससे सफाई देते नहीं बन रहा। अहमद पटेल को सीएम बनाने के आरोप से पहले कांग्रेस पार्टी सलमान निजामी को लेकर कटघरे में है। आज सलमान निजामी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सलमान निजामी को लेकर कांग्रेस झूठ बोल रही है। आज ढेर सारी इनकी कांग्रेस के नेताओं के साथ पिक्चर, शक्ति सिंह जी की पुरानी है। शक्ति सिंह जी की कौन, वो पुरानी है। कितने दिन पुरानी है? डेट नहीं है उसकी फेसबुक पे है। ये मांडवी में है और शक्ति सिंह मांडवी में प्रत्याशी बने हुए 20 दिन हुए हैं। पहले वो अबड़ासा के विधायक हुआ करते थे। पुरानी नहीं हो सकती। सलमान निजामी पर अमित शाह का बड़ा बयान, कांग्रेस झूठ क्यों बोल रही है? कि जो व्यक्ति लिखता है कि कश्मीर में आजादी होनी चाहिए वो गुजरात में कांग्रेस का प्रचार कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सलमान निजामी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। इससे पहले कि हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि अमित शाह ने क्या कहा, इन तस्वीरों को देखें। तस्वीरों में बैठा शख्स सलमान निजामी है। इस तस्वीर में सलमान निजामी गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में निजामी कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के साथ है। ये वही सलमान निजामी है जिसे लेकर कल पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा था। कांग्रेस पार्टी ना नेता सलमान निजामी जेमना स्टार कैंपेनर से गुजरात नी अंदर वोट लेवा माटे अड़ंगो जमावीने बैठा छे। अने ये एमडी बीजी बातो जोवा जेवी छे। ये मूल काश्मीर ना छे भाई, ये एम के छे आजाद काश्मीर जोईए हमारे। आजाद काश्मीर मांगना रहा उन्हें कांग्रेस ने वोट अपाए भाई, जरा जोर थी बोलो अपाए। ये एम के छे कि देश की सेना रैपिस्ट है, आ देश की सेना मां बहनों पर बलात्कार करनारी सेना छे, आवो देशनी सेना माटे कहनारो सलमान निजामी राहुल गांधी माटे गुजरात मा वोट मांगतो होय। भाइयों बहनों आवाने माफ कराय, आवा लोकोने माफ कराय। एमणे पोते कह्युं छे घर घर से अफजल निकलेगा। पीएम ने सलमान निजामी और कांग्रेस के रिश्ते पर सवाल खड़े किए तो बैकफुट पर आई कांग्रेस ने सलमान निजामी को जानने और पहचानने से इनकार कर दिया। जिसका नाम आप ले रहे हैं सलमान निजामी, हम लोगों ने तो सुने नहीं। हमारे पार्टी में किसी भी ना राष्ट्रीय स्तर पर किसी पद पे ना कुछ है, कौन है यही पता नहीं है।
ये हो सकता है कि जो है ये कहीं से कोई नाम ले आए हो, वो है क्या? ऐसे अगर हम शुरू करेंगे तो भाजपा के कौन कार्यकर्ता ने क्या क्या, हम 10 नाम कोट सकते हैं कि बनवारी लाल ने कहा, श्याम लाल ने कहा, फलाने ने कहा, ढिकाने ने कहा, इससे क्या है? आप वो जिम्मेदार पद पे व्यक्ति होना चाहिए जिसने, आपने तो केंद्रीय मंत्री बना रखा, आपके तो केंद्रीय मंत्री उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर ये इधर उधर, चूंकि गुजरात में कुछ बोलने का उनके पास है नहीं, ना वो महंगाई पे बोल सकते, ना जीएसटी पे बोल सकते, ना नोटबंदी पे बोल सकते, ना विकास पे बोल सकते, ना बेरोजगारी पे बोल सकते हैं, तो अब उनके पास वो सब्जेक्ट नहीं, तो किसी निजामी ने कौन निजामी भैया? मुद्दा गरमाया तो सलमान निजामी की ओर से भी सफाई आई। सलमान निजामी ने कहा कि वो कांग्रेस में हैं, लेकिन पीएम जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं वो फर्जी है। निजामी ने ये भी दावा किया कि उनका अकाउंट हैक कर फर्जी ट्वीट किए गए थे, जिसकी पुलिस में शिकायत की गई है, लेकिन कांग्रेस निजामी से रिश्ते को ही लगातार नकार रही है। इसी पर अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। आज ढेर सारी इनकी कांग्रेस के नेताओं के साथ पिक्चर, शक्ति सिंह जी की वो पुरानी है। कितने दिन पुरानी है? डेट नहीं है उसके फेसबुक पे है। ये मांडवी में है और शक्ति सिंह मांडवी में प्रत्याशी बने हुए 20 दिन हुए हैं। पहले वो अबड़ासा के विधायक हुआ करते थे। पुरानी नहीं हो सकती, पल्ला झाड़ने से क्या होता है? तो बहुत छोटे लोग हैं। नहीं, ये छोटा इश्यू नहीं, वो लीडर बड़ा नहीं है, मैं ये कहना था। अरे मैं गुजरात के लिए बहुत ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है कि जो व्यक्ति लिखता है कि कश्मीर में आजादी होनी चाहिए, वो गुजरात में कांग्रेस का प्रचार कर रहा है। छोटा नहीं है तो कांग्रेस इग्नोर करे, हम उठा रहे हैं, क्यों डिनाई कर रही है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि छोटा मुद्दा है, क्या फर्क पड़ता है अगर मुद्दा छोटा है। बीजेपी ने कांग्रेस को सलमान निजामी पर चौतरफा घेर लिया है। कांग्रेस भले ही सलमान निजामी के साथ किसी भी रिश्ते को नकारे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें हाल की हो या फिर पुरानी, लेकिन सलमान कांग्रेस से जुड़े थे, ये बात कांग्रेस कैसे नकार सकती है? बीजेपी इसी सवाल को कांग्रेस का बड़ा झूठ बता रही है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।